Our next speaker is, I would feel pride to welcome him up on stage because he has been a huge helping hand to us for organizing this event. Our next speaker is Mr. Shri Virendra Yagnik Ji. He has been associated with social and cultural events for last 30 years. Like 3 decades gave us spirituality and working behind the enriching the Indian culture. Sir has been a member of various religious advisory councils at national as well as international level. He is the acting member of various spiritual institutes and the Chancellor of Rajasthan Vidyarthi Grih. He has been publishing articles and delivering talks throughout the nation. Ladies and gentlemen, welcome Shri Virendra Yagnik Ji. Principal Sahab, Shri Dr. Mishra. And TCET TALK, all organizers and the students. Very good evening. Bas itni angrezi aati. I am really proud, and we are proud, privileged that on behalf of this TCET TALK, Shri Bhagwat Parivar has been associated with this. And today we both have organized this wonderful talks of the people of wisdom and the learned. Aaj hum logo ne samudra se lekar ke antariksh tak ki yatra ki hai, dhyan rakhna. We have started with the sea. वाइस एडमिरल साहब आए थे और उन्होंने वहाँ से शुरुआत की और डॉक्टर सुहास साटम जी हमें अंतरिक्ष तक ले गए. मंगलयान की यात्रा की है, सबका मंगल हो, ये इस पूरे के पूरे अधिवेशन का काम होगा. हम मंगलयान की तो यात्रा करते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं. हम मंगलयान की तो यात्रा कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मंगल में क्या है और मंगल क्या नहीं है. लेकिन इस हिंदुस्तान में और इस ज़मीन के ऊपर हमारा मंगल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी हमें चिंता हमें खास सताती रहती है. हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वी हैव स्टार्टेड विद दिस प्रोग्राम बाय लाइटनिंग ऑफ द लैम्प एंड लेट अस टेक फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हमने एक दिया जलाया था. एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार विनोबा भावे को किसी ने बुलाया और वहाँ पर वो खुला पंडाल था. दिया जलाने की, दीपक जलाने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग द लैम्प वॉज टेकन अप. बहुत तेज आंधी चल रही थी. बाबा को बुलाया गया और कहा गया कि बाबा दिया जलाओ. लोगों ने बड़ी कोशिश की हथेली से उसको दिए को ढांकने की, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा के द्वारा जलाया गया दिया बहुत देर तक टिक नहीं सका. दिया बुझ गया और बाबा ने अपना जो लेक्चर था, अपना जो संबोधन था, वो वहीं से शुरू किया. ही स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. And that is very moot point. And that is to be underlined today. What is required? कि अगर मान लीजिए हम अपने ज्ञान का दीपक जलाना चाहते हैं, if we want to have some knowledge, तो हमारा जो environment होना चाहिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं नहीं चलनी चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा हवाएं चलेंगी, बहुत ज़्यादा झंझावात आएगा, तेज आंधी चलेगी, तो दिया जो है वो जलेगा नहीं. आप सब लोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, दोज हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एंड नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जब आप अपने अंदर इस इंडस्ट्री की, इस टेक्नोलॉजी की और इस इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहे हैं,
तो उस समय बहुत ज़्यादा वर्ल्डली अफेयर्स की आंधी नहीं चलनी चाहिए, वरना आपके ज्ञान का दीपक जलेगा नहीं। दूसरी बात बाबा ने जो बताई थी वो ये बताई कि ये जो दिया जलता है ना, इस दिए में तेल डाला जाता है, और ये जो तेल डलता है वो इस तेल से ही दिया जलता है, वरना तेल से दिया नहीं जलेगा। ये जो तेल है दैट इज योर पुरुषार्थ, दैट इज योर परिश्रम। ये उस पुरुषार्थ और परिश्रम का अगर तेल नहीं डाला गया तब भी ये दिया जो है वो बहुत देर तक टिकेगा नहीं। वॉट इज रिक्वायर्ड माई डियर फ्रेंड्स एंड द स्टूडेंट्स, दैट TCET टॉक इज प्रोवाइडिंग यू दैट पर्टिकुलर एटमोसफियर वेयर इज देर इज नो आंधी, and he is invoking that particular purusharth which you have shown by sitting right from 9 o'clock to 4 o'clock here and listening very patiently. I thank you very much. Clap for yourself. Lekin is baat jo jisse end kiya hai hamare सुहास जी ने कि वर्क फॉर दिस नेशन, 1897 की एक बात बताता हूँ, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, आई विल जस्ट फिनिश इट विन 10 मिनट्स। 1897 स्वामी विवेकानंद वॉज इन अल्बोरा, और ये एक बहुत ही पर्टिनेंट, इट मस्ट बी अंडरलाइन व्हेन यू आर लिसनिंग टू इट। उनके एक मित्र थे अश्विनी कुमार दत्त, he was also there, but he was not knowing that Swami Vivekananda is there and he has come in Almora, but he has seen somewhere that he is riding the horse. Unhone ek aise vyakti ko dekha ki jo ghode par ja raha tha, usko pata laga, unko unhone dekha ye to hamare Narendra jaisa lag raha hai, let us find it out. Poochte poochte gaye aur jahan par Swami Vivekananda thehre hue the वहाँ पर जाकर के उन्होंने उसके दरबान से पूछा कि ये आदमी जो आया है ये कौन है। दरबान ने कहा कोई स्वामी है और बंगाल से आया हुआ है, बंगाली है। अश्विन कुमार दत्त को लगा कि हो ना हो ये मेरा दोस्त होगा। उन्होंने कहा कि मैं अश्विन कुमार दत्त हूँ, जाकर के जरा उस आदमी से कहो, उस स्वामी जी से कहो कि मैं आया हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। अश्विन कुमार दत्त जो हैं वो उनके बड़े चाइल्डहुड के दोस्त थे। दत्त वॉज वर्किंग विद द कांग्रेस पार्टी, वेरी रिसेंटली कांग्रेस पार्टी बनी थी, उसके लिए काम कर रहे थे। अश्विन ने ये सोचा कि अगर ये व्यक्ति जिसने 1893 में शिकागो की धर्म महासभा में सारी की सारी हलचल मचा दी है एंड ही हैज़ नाउ बिकम ए इंटरनेशनल फेम पर्सन, इफ ही जॉइंस द कांग्रेस, कांग्रेस विल टेक द प्राइड ऑफ हैविंग हिज लीडरशिप, कांग्रेस का रुतबा बढ़ेगा और हम अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। इसलिए अश्विन कुमार दत्त ने चाहा कि चूंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, इसलिए विवेकानंद को, उस समय वो नरेंद्र थे, उनको ला करके कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दें ताकि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकें। समहाउ आर दी अदर अश्विन दत्ता वेंट टू विवेकानंद, दोनों मिले। अश्विन ने कहा कि मैं एक तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेकर के, प्रपोजल लेकर के आया हूँ, आई हैव कम विद द प्रपोजल। विवेकानंद ने पूछा व्हाट इज दैट प्रपोजल, उसने कहा द प्रपोजल इज दिस that you are now an international figure in this world and you have taken our country to the newer heights. English people are just afraid of you. If you can take the leadership of this country and the, particularly the Congress party, we will definitely achieve the freedom and we will definitely achieve the Azadi. Unhone kaha ki tum Congress party ki leadership le lo, you are the most suitable person today to achieve the independence of this country. आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा उस समय,
And that is the answer should be underlined and you should take at your heart. वो जो उत्तर है, वो जो उत्तर उन्होंने दिया, उस उत्तर को ही आज की इस पूरे के पूरे ये जो परिसंवाद हुआ है, ये जो सेमिनार हुआ है, उसकी अंडरलाइन समझना. एंड दैट हैज टू बी टेकन एज द मूट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमिनार. एंड ही रिप्लाइड, अश्विन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं समझता हूँ तुम मेरे लिए जो प्रस्ताव लेकर के आप, द प्रपोजल विच यू हैव ब्रॉट, यस इट इज़ वंडरफुल फॉर मी, बट देन हियर आई वॉन्ट टू से समथिंग. विवेकानंद ने कहा, अश्विन नोट इट डाउन दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू गेट द इंडिपेंडेंस आफ्टर 50 ईयर्स. अश्विन तुम इस बात को नोट कर लो, 50 साल के बाद इस देश को आज़ादी मिल जाएगी. इट वॉज इन 1897. कब मिली आज़ादी? ठीक 50 साल के बाद मिली. नोट इट डाउन, ये लिखा है, आप उनकी पढ़ो ऑटोबायोग्राफी. नोट इट डाउन दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू गेट द इंडिपेंडेंस आफ्टर 50 ईयर्स. बट माई डियर फ्रेंड, टू मेंटेन दैट फ्रीडम वेयर यू आर गेटिंग द पर्सन्स, द मैन. आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए, उस आज़ादी को बढ़ाए रखने के लिए, उस आज़ादी के आधार के ऊपर इस देश को विश्वगुरु बनाए रखने के लिए आदमी कहाँ है? अश्विन, आई हैव डिवोटेड ऑल माई टाइम टू मैन मेकिंग प्रोसेस, एंड दैट मैन मेकिंग प्रोसेस आई हैव विटनेस टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेमिनार विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम द सी, एंड श्री साटम साहब हैज टेकन अस टू द अंतरिक्ष और टू द स्पेस. फ्रॉम सी टू स्पेस इफ यू वॉन्ट टू गो, काइंडली प्रोसेस दिस मैन मेकिंग प्रोसेस. हम आदमी कैसे बने? हमारे को आदमी बनने की जरूरत है. यू नो वॉट इज दिस कंट्री इज? अभी नेस्कॉम की एक रिपोर्ट आई और उसमें लिखा गया है 10% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री इज कंट्रोलिंग द टोटल वेल्थ ऑफ दिस नेशन. 10% लोगों के पास 90% वेल्थ जो है वो कंट्रोल्ड है. 1% आदमी के पास 56.5% वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड. 56% जो टोटल वेल्थ है इस देश की वो 1% लोगों के पास है. ऐसी स्थिति में आप सब लोगों को इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में काम करना है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए. और अगर ये डिस्पैरिटी बढ़ती है, जो कि बढ़ रही है, इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए हम सब लोगों ने मिल करके काम करने की कोशिश करनी चाहिए. हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, हम चाहते हैं हमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, हम भी चाहते हैं कि हमें सब तरीके से काम करने के लिए सारी सुविधाएँ मिल जाएँ. बट एट द सेम टाइम यू मस्ट थिंक दैट हाउ द कंट्री विल गो फॉर द इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. एंड फॉर दैट मैटर वी हैव टू, जो सेकेंड सेशन हुआ था उसको ध्यान में रख करके आप अपने फ्यूचर को बनाइए. एंड दैट सेकेंड सेशन वॉज टेकन बाई मिस्टर सुहास, हु हैव टेकन हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर कल्चर, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर द इंटायर वैल्यू सिस्टम विच इज नाउ इरोडिंग इन द सोसाइटी. और इसलिए आज के इस सेमिनार के लिए मैं डॉक्टर मिश्रा को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ. आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट. हाउ यू शुड गो, एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा. डॉक्टर श्री रमेश लाहौटी इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ही वॉज इन वन सेमिनार एंड एट द एंड ऑफ द सेमिनार व्हेन ही वॉज कंक्लूडिंग हिज एड्रेस, and I will also conclude the address with the same story which he told on that particular day, that everything is very good. लेकिन उन्होंने एक कहानी सुनाई और वो कहानी सुनाने लायक है आप सब लोगों को भी. मुझे ये भी मालूम था कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स, अब ये बात है, एक ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ये ठाकुर
कॉलेज ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसमें हम एक बार आए थे. उसमें वहाँ कुछ कुछ बच्चों ने वहाँ पर अपना एक यहीं पर जो एक सबवे है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया था. एंड दैट प्रोजेक्ट वॉज कॉस्टिंग सम रुपीज 10 lakhs. वी हैव गॉट द BMC परमिशन बट सम हाउ आर द अदर दैट कुड नॉट टेक दैट वॉज कुड नॉट बी टेकन अप. उसको हम किसी तरीके से ले नहीं पाए. हम सब लोग बात करते हैं CSR का एक बहुत बढ़िया जो सेशन हुआ था उस CSR के अंतर्गत क्या ये ठाकुर कॉलेज के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी मिल करके क्या उस तरीके का कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं. इफ़ दैट दिस सेमिनार कैन प्रोड्यूस समथिंग समथिंग इन व्हाट आई कैन से दैट इट शुड रिफ्लेक्ट इन अवर वर्क. क्या इस तरीके का कोई सेमिनार जिसकी परिणति इट शुड रिफ्लेक्ट इन सम प्रोजेक्ट. सेमिनार दी सेमिनार शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क एंड इफ दैट कैन बी टेकन दैट विल बी द ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी. उससे हम काफ़ी ज़्यादा समाज की सेवा कर सकते हैं. रमेश लाहौटी ने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ. रमेश लाहौटी ने अपने पूरे बहुत अच्छा इट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट के ऊपर उनका संबोधन था और उन्होंने बताया which is very much related to this. उन्होंने कहा कि एक बार एक चौराहे के ऊपर एक व्यक्ति पिछले 50 सालों से भीख मांग रहा था. रोज सवेरे से शाम तक वो 50 सालों तक भीख मांगता रहा. 50 साल के बाद 40 साल के बाद वहीं पर भीख मांगते मांगते वो गिर करके मर गया. लोगों ने सोचा कि इस चौराहे के ऊपर इस आदमी ने 40 साल 50 साल तक भीख मांगी है. ये चौराहा इस भिखमंगे के नाम से भी जाना जाता है. इसलिए क्यों न इस भिखमंगे की और इस फकीर की या इस भिखारी के लिए कोई यहाँ पे छोटी सी समाधि बना दी जाए. तो जहाँ पर वो भीख का कटोरा लेकर के सब लोगों से भीख मांगता था वहीं पर लोगों ने फावड़े से खोदना शुरू किया. और जब खोदा तो जब 3-4 फीट नीचे गड्ढे में गए तो वहाँ पर उनको बहुत बड़ा खजाना मिल गया. जिस चौराहे के ऊपर वो भिखारी पिछले 50 साल से भीख मांग रहा था उसी चौराहे पर 6 फीट खोदने के बाद वहाँ पर बहुत बड़े सोने का एक बहुत बड़ा खजाना मिला. रमेश लाहौटी ने अपने आप को कंक्लूड किया कि हम सब लोग भी ऐसे ही हैं कि हम सब लोग वहाँ पर लोगों की भीख मांगते रहते हैं. इंटरनेशनल स्टेटस में जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ. डिब्बे वालों को देखो ना अमेरिका वाले लोग आकर के उनको पहना रहे हैं. अगर हम सब लोग एंड डिब्बे वाला लोग नॉट ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट दे आर नॉट द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट दे आर नॉट एनीथिंग. अमेरिका में 3 चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो रही है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो 3 चीज़ों पर रिसर्च हो रही है एंड दे वॉन्ट टू नो हाउ दे कुड डू इट. पहली रिसर्च हुई है डिब्बे वालों के ऊपर. ये प्रहलाद जी जो थे वह वहीं से आए थे और उन्होंने रिसर्च की. ये सिक्स सिग्मा उसी के बेसिस के ऊपर मिला. दूसरा रिसर्च हो रहा है जो कि आपको पता नहीं होगा. हरिद्वार में बैठे हुए पंडे हरिद्वार के जो पंडे होते हैं अगर उनके पास जाओ और कहो कि मैं यहाँ से आया हूँ अगर वो पंडा आपका है तो आपके पिछले 10 जन्म के लोगों की सीधी चीज़ें निकाल देगा. अमेरिका इज एक्चुअली वांटेड टू नो हाउ व्हाट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ देयर रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट अगर वो सीख रहे हैं तो हरिद्वार के गंगा के तट पर बैठे हुए पंडों के साथ सीख रहे हैं. यू नो इट. आपको मालूम है ये. अगर यहाँ पर 2 मिनट में गाड़ी चलती है अभी बता रहे थे. अमेरिका के लोग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि बम्बई में मेट्रो ये जो सिटी है लोकल चलती कैसे ही इतनी जल्दी के आधार के ऊपर. हाउ डिसिप्लिन्ड दे आर एंड वी आर एक्चुअली फॉलोइंग देम. वी मस्ट फॉलो नो प्रॉब्लम. तो वो भिखारी वाली बात है. जो आदमी 50 साल से भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा था वही अगर अब 6 फीट अगर गड्ढा खोदता तो उसको बहुत बड़ा खजाना मिलता. I invite all of you to go for the, अभी डॉक्टर साहब ने बताया
एंशंट विजडम, वो सूरज की जो बात कर रहे थे कि सूरज जब उगता है तब भी लाल दिखता है और जब ढलता है तब भी लाल दिखता है, ये सूरज की बात करने वाला जो उपनिषद का मंत्र है वो आज से कम 10,000 साल पुराना, पहले पुराना रखा गया है. कैन एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वॉज देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? सो वॉट आई वॉन्ट टू से इज दिस, दैट डोंट गो फॉर देम ओनली, ट्राई टू गो डीप इन टू योर नॉलेज ऑफ विजडम. आप अपने देश की नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और तब आपको मालूम पड़ेगा कि वॉट वी आर. और यही बात आपके सेकेंड सेशन में सुनी थी, हम अपने को ही भूलते जा रहे हैं. ये अपने को जानना, अपने को पहचानना, और इसलिए यही बात कही गई हमारे यहाँ, आत्मानम विधि नो दाई सेल्फ. हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उस बताते हैं कि पहले अपने आप को जान लो. ये अपने आप को जानने का सेमिनार है, ये अपने आप को पहचानने का सेमिनार है, ये अपने आप को समझने का सेमिनार है, और ये अपने आप को दुनिया में समझाने का सेमिनार है. और इस भाव से अगर आप आज इस सेमिनार को पूरा करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सेमिनार बहुत सार्थकता प्रदान करेगा. बहुत समय नहीं लूँगा. प्रिंसिपल साहब, आपको बहुत बहुत बधाई. आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स, दोज हु हैव रेंडर्ड. तेजस और उसकी टीम के सभी सदस्य मेरे पास आए थे, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल. एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ श्री भागवत परिवार एंड ऑल्सो बनांजा पोर्टफोलियो, दोज हु हैव, यू हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट यू, आई डेफिनेटली एक्सटेंड माई थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू. वी आर ऑल देयर, वी आर डूइंग सम इंटेलेक्चुअल. हमने दो ग्रंथ निकाले, एक अतुल्य भारत निकाला, दूसरा अभी जो हम दे रहे हैं वो अप्रतिम भारत है, यूनिक इंडिया. अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया. अगला ग्रंथ हमारा अनुपम भारत होगा. क्या दिखाना चाहते हैं हम? ये दिखाना चाहते हैं कि आज जो कुछ आप देख रहे हैं, आज योग चल रहा है ना, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ना, 12 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गया है योग वहाँ पर अमेरिका में, और हम सब लोग उसको इसी तरीके से छोड़ते जा रहे हैं. ट्राई टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर फर्वर एज ए प्राउड इंडियन इन दिस कंट्री, यू आर गोइंग अहेड. मैं बता रहा हूँ जैसे कि मार्शल वाइस एडमिरल साहब ने बताया, इंडिया इज गोइंग टू बी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाई 2022. इंडिया इज गोइंग टू बी थर्ड सेकेंड बिग प्लेस फॉर द नॉलेज एज द हब ऑफ द नॉलेज. ज्ञान के इस मिलेनियम में, नॉलेज के इस मिलेनियम में आज जो ज्ञान का दीपक जला वो तभी जला रह सकता है जबकि झंझावात न हो, आंधी न हो, और दूसरी बात जबकि आपके मन में और आपके साथ आपका विजडम हो, आपके साथ आपका स्नेह हो, आपका पुरुषार्थ हो, आपका परिश्रम हो. निराला ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, नव गति नव लय ताल छंद नव. नई गति से, विद न्यू एनर्जी, नव गति नव लय ताल विद न्यू रिदम ताल छंद नव. नवल मंत्र नव जलद मंत्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव से नव कर दे. वेरी मच, सो मेनी थैंक्स, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ए वंडरफुल सेमिनार विच हैज़ बीन डन. बहुत बहुत धन्यवाद.